कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग मजेदार होंगे। आज इस वीडियो में आईटेल S23 का टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपके फोन को यूज कर पाओगे। ये फोन बजट फोन है। कई बार हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते रहते हैं और अचानक होम बटन में प्रेस करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज करता रहता है, बैकग्राउंड में रैम को यूज करता रहता है। इसको बंद करने के लिए होम स्क्रीन में फ्रीजर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप कर दीजिए। जो सारे एप्लीकेशन आपको लगता है बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज कर रहा है या बहुत ज्यादा रैम यूज कर रहा है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देना। अभी फ्रीजर में आ जाएगा। देखिए, जो एप्लीकेशन फ्रीजर में आ जाएगा ना, जब आप लोग यूज कर रहे हो तब तो बढ़िया है, लेकिन जब आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तब नहीं तो बैकग्राउंड में रैम यूज करेगा और नहीं तो बैकग्राउंड में इंटरनेट को यूज करेगा, टोटली फ्रीज रहेगा। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, आईटेल का खुद का डायलर है, उसकी वजह से कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पे डायलर के अंदर आने के बाद, सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। और जब कॉल आ रहा है बैकग्राउंड में जो फ्लैश लाइट है वो अगर लाइटिंग होता रहे तो इसको इनेबल कर देना। जब भी कॉल वगैरह आएगा ये जो फ्लैश लाइट है ये लाइटिंग होता रहेगा। इस फोन में 360 डिग्री फ्लैश लाइट दिया गया है। बेसिकली बैक साइड में तो फ्लैश लाइट जलता रहता है, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस फोन में फ्रंट साइड में भी आप लोग फ्लैश लाइट को इनेबल कर पाओगे। देखिए, नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आने के बाद फ्लैश लाइट के ऊपर टैप करके होल्ड करके रखिए, यहाँ पे फ्रंट फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए फ्रंट साइड में भी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे 360 डिग्री फ्लैश लाइट करोगे तो देखिए बैक साइड में और फ्रंट साइड में एक ही साथ फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा और आप नॉर्मल तरीके से बस बैक साइड में भी फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। कई बार हम लोग भीड़ भाड़ में फोन को यूज करते रहते हैं और आसपास के लोग कई बार हमारे फोन के ऊपर नजर देते हैं, तो आप कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हो और बहुत सारे लोग नजर दे रहे हैं तो आप वो काम ठीक से नहीं कर पाते हो, लेकिन इस फोन में वो पॉसिबल है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पीक प्रूफ, इसको इनेबल कर देना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, आप जिस पोर्शन में काम कर रहे हो बस उस पोर्शन को हाईलाइट करके बाकी सारे जगह में डार्क कर सकते हो, और इसका जो बैकग्राउंड ब्राइटनेस है या ट्रांसपेरेंसी आप ज्यादा डार्क या कम डार्क कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो बहुत आसानी से भीड़ भाड़ में भी खुद का पर्सनल काम कर पाओगे। इतना ही नहीं, कई बार हम लोग पब्लिक प्लेस में फोन को चार्ज में लगाते हैं और कई बार बहुत सारे लोग चार्जर से डिस्कनेक्ट करता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे थेफ्ट अलर्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप लोग चार्जर के साथ फोन को कनेक्ट करोगे या यहाँ पे जो केबल लगाओगे, जब एक केबल फोन के साथ डिस्कनेक्ट होगा, इसको इनेबल करने के बाद फोन में ऑटोमेटिकली अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि आपका फोन चार्जर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इस फोन में सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल फंक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, डुअल ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पे आके ड्यूअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। स्पेशल फंक्शन के अंदर यहाँ पे मीम फ्यूजन का एक ऑप्शन दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे 4GB का रैम तो दिया है, लेकिन आप और भी 4GB तक बढ़ा सकते हो। बाय डिफॉल्ट 2GB बढ़ा हुआ है, आप यहाँ पे आके 4GB को सिलेक्ट कर लेना। देखिए एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए रिस्टार्ट करने के बाद 4GB रैम इनेबल हो जाएगा। स्मार्ट पैनल का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको इनेबल कर देना। बेसिकली होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे तो एक स्मार्ट साइड बार खुल के आएगा। इस साइड में बहुत सारे शॉर्टकट है जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट वगैरह, और राइट साइड में बहुत सारे एप्लीकेशन है। पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करके बहुत सारे शॉर्टकट को यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हो और बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड या डिसलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे क्रोम नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे अनसिलेक्ट कर देता हूँ, पबजी चाहिए तो सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए BGMI आ चुका है। तो इस तरीके से साइड बार को बहुत बेहतरीन शॉर्टकट के हिसाब से यूज कर पाओगे। स्पेशल फंक्शन के अंदर और भी मजेदार फीचर्स है। सोशल टर्बो, देखिए इसके लिए व्हाट्सएप का जरूरत है, ये व्हाट्सएप का ही फीचर्स है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले तो वीडियो कॉल में बात करने के टाइम में आप ब्यूटी मोड को इनेबल कर पाओगे। वॉइस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हो, व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहे हो कॉल में तो यहाँ से आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे कॉल को। और व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज चेक करने के लिए यहाँ पे पीक मोड का ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल कर देना। जब आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल रहेगा, किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज सेंड करने के बाद डिलीट कर दिया तो उसको आप रिकॉल कर सकते हो और चेक कर सकते हो कौन सा मैसेज था वो। यहाँ पे स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग स्टिकर आपके फ्रेंड को भेज भी सकते हो। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करने के बाद व्हाट्सएप में जब भी कोई भी कॉल वगैरह आएगा बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइक अप होता रहेगा। व्हाट्सएप का स्टेटस आप देखिए यहाँ पे 15 दिन तक लगा सकते हो या आप 1 महीना, 3 महीना, तो बहुत सारे फीचर्स दिया गया है व्हाट्सएप के रिलेटेड। स्पेशल फंक्शन में यहाँ पे आप लोगों को आई स्मार्ट बोल के एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स दिखाई देगा जैसे कि टैपिंग वाइक ये ऑन है। बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का लाइट बंद हो जाएगा और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का
जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। इस तरीके से म्यूजिक जेस्टर्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए लॉक स्क्रीन में इसको इस तरीके से कुछ स्वाइप करोगे, यहाँ पे ट्यूटोरियल दिखा रहा है, तो म्यूजिक ओपन हो जाएगा। थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, बेसिकली आप लोग थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट ले पाओगे। और यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट खोल के आ चुका है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट। एंसर कॉल विद द जेस्टर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, बेसिकली इसको इनेबल कर देना। 20 सेंटीमीटर के अंदर इस तरीके से दो उंगली दिखाओगे, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। कई बार हम लोग YouTube देखते रहते हैं और अचानक देखिए गलती से होम बटन में प्रेस हो जाए तो बाहर आ जाते हैं। कई मूवी देखने के टाइम में ये अगर होता है तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन आपसे ऐसा नहीं होगा। सेटिंग के अंदर आ जाना, यहाँ पे सिक्योरिटी का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को एडवांस ऑप्शन का दिखाई देगा, यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। अभी देखिए कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, मैं YouTube में दिखा रहा हूँ, मान लो YouTube में वीडियो देख रहे हो, रिसेंट मेनू में आने के बाद YouTube के ऊपर टैप करना, पिन के ऊपर टैप कर देना। देखिए YouTube पिन हो चुका है। अभी देखिए नहीं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा, नहीं देखिए यहाँ पे बैग होम मेनू कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप लोग यहाँ पे मेनू बटन और बैग बटन को टैप करके होल्ड करके नहीं रखते हो, अनलॉक हो जाएगा और तब तक ही आप लोग बाहर नहीं जा सकते हो YouTube से। तो बहुत अच्छा फीचर्स है, ऐप पिनिंग आप लोग यूज कर सकते हो। कई बार हम लोग एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आप लोगों को सिक्योरिटी के अंदर आना है, ऐप लॉक के अंदर आना है, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सबसे पहले क्रिएट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे स्किप या अकाउंट को लॉक कर सकते हो। देखिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्रोम को यहाँ पे लॉक करना, तो मैं यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ। अभी देखिए जब मैं क्रोम को ओपन करने जाऊंगा ना, मुझे पासवर्ड मांगेगा, तो जब तक मैं पासवर्ड नहीं दूंगा तब तक क्रोम ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से ऐप लॉग यूज कर पाओगे। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, 10,000 के नीचे है फिर भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को एक डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर सबसे ऊपर रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, यहाँ पे ऑटो रहता है, आप लोगों को 90 हर्ट्ज कर देना, स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर ये जो डार्क मोड है ना, बहुत बढ़िया डार्क मोड है, मैं यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल करता हूँ। देखिए ये जो नीचे जो चेन है और डिस्प्ले का जो कलर है, आप लोगों को फर्क दिखाई नहीं देगा, तो बहुत बढ़िया डार्क मोड है। और इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। सिर्फ डार्क मोड ही नहीं, यहाँ पे आई केयर का ऑप्शन देखने को मिलता है, डिस्प्ले का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप रातों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो ये आपको मदद करेगा, आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा अगर आप इसको यूज करते हो, और इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो। जब आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो नहीं करता है, तो उसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर देना। देखिए जब आप लोग इंटरनेट यूज करोगे ऊपर में इंटरनेट स्पीड मीटर शो करेगा। देखिए कैमरा के चारों ओर ये येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है, बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है, लेकिन इसको आप बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। उसके लिए एक एप्लीकेशन का जरूरत है, एप्लीकेशन का नाम है रिंग रिंग एप्लीकेशन, इसको इनेबल कर देना। देखिए इसको इनेबल करने के बाद इसको ऑन करना पड़ता है, उसके बाद ये लाइट ऑन हो जाएगा। रिंग रेडियस को आप ज्यादा या कम भी कर पाओगे, मूवमेंट स्पीड को आप कहीं भी मूव करवा सकते हो और कहीं भी इसको रख सकते हो। देखिए मैं इसको कैमरा के चारों ओर रखा हूं ताकि देखने में बहुत अच्छा लुक लगे। इतना ही नहीं, ये जो आउटर सर्कल थिकनेस है उसको आप ज्यादा या कम भी बहुत आसानी से कर पाओगे। कलर को भी चेंज कर पाओगे, अगर आपको सिंगल कलर पसंद नहीं है तो यहाँ पे आके ग्रेडियंट कलर रख सकते हो। आउटर कलर को आप यहाँ पे आके रेड कर देना, देखिए आउटर कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे एक कलर पसंद है तो मैं यहाँ पे येलो कलर करके रखा हूँ। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, जेन्युइन एप्लीकेशन है। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो बैटरी परसेंटेज भी शो नहीं करता है, तो इसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को बैटरी लैब के अंदर आना है और यहाँ पे बैटरी सेटिंग के अंदर आना है, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देना है। अभी दिखाई देगा आपके फोन में कितना परसेंट बैटरी है। देखिए हम लोग यहाँ पे बटन यूज कर रहे हैं, होम बटन, मेनू बटन, बैक बटन, लेकिन आप लोग यहाँ पे जेस्चर्स को भी यूज कर पाओगे। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर, सिस्टम के अंदर, सिस्टम नेविगेशन के अंदर आना है। थ्री बटन नेविगेशन के जगह में जेस्चर्स सेटिंग को इनेबल कर देना, देखिए जो बटन है वो गायब हो जाएगा, जेस्चर्स सेटिंग इनेबल हो जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड डिवाइस साउंड को रिकॉर्ड कर पाओगे, यहाँ पे माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर पाओगे, या आप जिस जगह में टच कर रहे हो वो अगर शो करवाना चाहते हो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट हाइड सिचुएशन में रहता है, उसको अनहाइड करने के लिए पेंसिल के ऊपर टैप करके ये जो सारे आप लोगों को शॉर्टकट दिखाई देगा, ये सारे हाइड शॉर्टकट है, तो आप लोगों को प्लस के ऊपर टैप करना है और वो सारे शॉर्टकट अनहाइड यहाँ पे हो जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, अगर आप एक हाथों में ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो ये वन हैंड मोड आपको बहुत मदद करेगा, एक हाथों में यूज करने में मजा आएगा। इसको इस साइड में ले आने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए और क्रॉस में टैप कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। कई बार हम लोग एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, यहाँ पे आप लोगों को मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा,
स्टार्ट के ऊपर टैप करके यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए, जो पासवर्ड आप देना चाहते हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर पाओगे। यहाँ पे देखिए, हाइड एप्लीकेशन के अंदर आऊंगा, प्लस के ऊपर टैप करूंगा, जो मुझे पसंद है वो एप्लीकेशन में हाइड कर पाऊंगा। इतना ही नहीं, पिक्चर को हाइड करने के लिए पिक्चर के अंदर आने के बाद प्लस के ऊपर टैप करके एल्बम क्रिएट करके कुछ भी प्लस के ऊपर यहाँ पे टैप कर देना, कुछ भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर पाओगे। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो साउंड को भी आप लोग हाइड कर पाओगे, वीडियोस को भी हाइड कर पाओगे। बहुत बेहतरीन फीचर्स है। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे बेकार गंदा गंदा न्यूज आता है, बहुत सारे बेकार इंटरफेस देखने को लगता है। ये जीरो स्क्रीन है, इसको आप बंद भी कर पाओगे। तो उसके लिए फिर से आप लोगों को होम सेटिंग के अंदर आदर्श सेटिंग के अंदर जीरो स्क्रीन को डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे जीरो स्क्रीन टोटली आएगा ही नहीं। इस फोन में फोकस मोड भी देखने को मिलता है, ऑफिस के टाइम में ये बहुत मदद करेगा। देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में यहाँ पे फोकस मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है। नीचे बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट किया हूँ और फोकस मोड को टर्न ऑन कर देता हूँ। देखिए जब भी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे, वो एप्लीकेशन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे, जब तक आप लोग फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। ऑफिस के टाइम में बहुत मदद करेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है, डिजिटल वेलबिंग के अंदर आना है। नीचे की तरफ यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं क्रोम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऐप टाइमर में आके मैं यहाँ पे 30 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जो टाइम आप सिलेक्ट करोगे दिन में, उसी एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे। उससे ज्यादा यूज करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो आप लोग इस ऐप टाइमर को भी यूज कर पाओगे। कैमरा के अंदर भी बहुत बेहतरीन फीचर्स है। देखिए यहाँ पे फोटोज के अंदर अगर आप लोग वाटरमार्क मार्क को इनेबल करना चाहते हो, तो यहाँ पे सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे मॉडल वाटरमार्क मार्क दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। अभी देखिए कोई भी पिक्चर में खींचता हूँ, पिक्चर खींचने के बाद यहाँ पे मैं पिक्चर के अंदर मैं जाता हूँ और पिक्चर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा आईटेल S23 4G। तो ये जो वाटरमार्क मार्क है इसको आप बहुत आसानी से इनेबल कर पाओगे। इतना ही नहीं, पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिया है, सुपर नाइट मोड का ऑप्शन है, मोर के अंदर आने के बाद यहाँ पे अल्ट्रा HD में पिक्चर खींच पाओगे। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है, पैनोरामा, टाइम लैप्स, HDR का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ये था दोस्तों इसका टॉप 50 प्लस अमेजिंग फीचर्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।